कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोमवार को दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश में लोकतंत्र को खत्म कर दिया है और इस तानाशाही के खिलाफ सभी विपक्षी दलों को एकजुट होकर इसका मुकाबला करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोदी की तानाशाही के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने के लिए सभी विपक्षी दलों में आम सहमति है। वेणुगोपाल शाम को मुंबई पहुंचे और उन्होंने शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के साथ आधे घंटे से अधिक समय तक बैठक की, जिसके बाद दोनों नेताओं ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया। वेणुगोपाल ने भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि हमने देखा है कि कैसे मोदी और अमित शाह द्वारा लोकतंत्र को नष्ट किया गया है। मोदी की तानाशाही के खिलाफ साथ मिलकर लड़ने के लिए सभी विपक्षी दलों में आम सहमति है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाले शिवसेना के साथ पूरी एकजुटता है। हम सब इस बात पर सहमत है कि हमें इन ताकतों से मिलकर लड़ना है। यहाँ ताकतों से उनका मतलब भाजपा से था। मीडिया के एक सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने उद्धव जी से और सोनिया जी से मिलने के लिए दिल्ली आने का अनुरोध किया है, फिर राहुल गांधी भी निश्चित तौर पर मुंबई आएंगे। शिवसेना कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने महाविकास अघाड़ी का गठन किया था, जो पिछले साल जून तक महाराष्ट्र में सत्ता में रही। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में कुछ विधायकों की बगावत के कारण शिवसेना में विभाजन हो गया। इसके बाद शिंदे भाजपा के समर्थन से मुख्यमंत्री बने थे।